हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं आप लोगों के पास एक आर्चरी का ट्रायल वीडियो लेके आया हूं, जो 30 NTPC सीनियर इंडियन राउंड, 43rd सीनियर रिकर्व एंड 19 NTPC सीनियर कंपाउंड नेशनल मैन एंड वुमेन आर्चरी चैम्पियनशिप जो होने वाला है, उसी का सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है। सो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। मैं आप लोगों को टारगेट आर्चरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। टारगेट आर्चरी डिसिप्लिन में खिलाड़ी के सामने एक लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य एक आर्चर से 70 मीटर रिकॉर्ड के लिए की दूरी पर होता है और एक लक्ष्य 50 मीटर कंपाउंड के लिए होता है। एक आर्चर को दिए गए लक्ष्य पर 5 रंग बने होते हैं, जिसमें सुनहरा, लाल, नीला, काला और सफ़ेद रंग शामिल होता है। इसके अंदर का गोल सुनहरा रंग खिलाड़ी को 10 और 9 अंक देता है। लाल रंग पर निशाना लगा तो 8 और 7 रंग मिलते हैं और साथ ही नीला रंग 6 और 5 अंक देते हैं। वही अगर निशाना काले रंग पर लगा तो खिलाड़ी को 4 और 3 अंक मिलते हैं और साथ ही सबसे बाहरी रिंग यानी सफ़ेद रंग पर निशाना लगे तो एक खिलाड़ी 2 और 1 अंक हासिल कर सकता है। वही खेल आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसे वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप और ओलंपिक गेम्स में खेला जाता है। डबल नाइन